इनकी जो चोरी है वो बढ़ सकती है, इसके बाद इनकी पेनल्टी होगी। वो लगभग 51 करोड़ रुपए इन्होंने बनाई, जिस पर जैन साहब जो पीयूष जैन थे इन्होंने कहा, एक लेटर दिया SBI को कि जो GST की रिकवरी है मेरे खाते से ट्रांसफ़र कर दी जाए, जो मेरा रुपया रिकवर है। इन्होंने अभी इस पे कोई ध्यान ना देके आज जो कस्टडी इनकी मांगी थी उसकी कस्टडी इनकी जैन की न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेज दिए गए। नहीं नहीं, ये न्यायिक हिरासत में है अभी, उन्होंने रिमांड नहीं मांगा है, ये जेल गए। सेंट, सुपारी, गुटखा किंग और विदेशों तक फैला कारोबार। यूपी में करोड़ों की काली कमाई का खेल करना इत्र कारोबारी को महंगा पड़ गया है। यूपी के सियासी रण में समाजवादी इत्र बनाने वाले पीयूष जैन अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेशी हुई और जिसके बाद 14 दिन के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। DGGI ने रिमांड नहीं मांगी है, हालांकि विदेशी मार्का का गोल्ड मिलने के बाद इस केस की जांच अब DRI भी करेगी। रविवार को गिरफ्तारी के बाद कानपुर के काकादेव थाने में रात पीयूष जैन की बड़ी मुश्किल से गुजरी। काले धन के कुबेर को पूरी रात जमीन पर लेट कर बितानी पड़ी। उधर इत्रलोक में रेड पड़ी तो यूपी की सियासत में भूचाल आ गया। सूबे के CM ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने, जो कहता था कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बद्दुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है, ये गरीबों की आ का प्रतीक है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के नियोजनों से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवारों से कैसे निकल रहा है इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। कन्नौज से कानपुर तक ताबड़तोड़ छापे पड़े। इस छापेमारी में जो बरामद हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। काले कारोबार का साम्राज्य कितना बड़ा था इसकी जानकारी पेशी के दौरान कोर्ट में दी गई। DGGI को कानपुर से 177 करोड़ जबकि कन्नौज से 17 करोड़ कैश बरामद हुआ है। छापेमारी में 23 किलो सोना और 600 किलो चंदन का तेल भी बरामद हुआ है। पेशी से पहले पीयूष जैन का बेटा नाश्ता लेकर पहुंचा, लेकिन मीडिया के तीखे सवालों पर सिर्फ चुप्पी साधी रखी। क्या लेकर आए, क्या लेके आए? नाश्ता लेकर, किसके लिए लेके आए? नीरज, नीरज लेके आए? कोई चोरी नहीं है ना, बताइए तो किसके लिए? पीयूष जी के। आप उनके कौन है? बेटे हैं, भतीजे हैं, कौन है बता दीजिए। खाने 72 घंटे की मैराथन छापेमारी के दौरान रोजाना सन कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। सियासी समर के बीच अकेले काले धन के कुबेर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। ऐसे में साफ है आने वाले दिनों में कई और बड़े और नए खुलासे हो सकते हैं।